मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही दिन बाकी हैं। ऐसे में नेताओं के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गांधी परिवार और कमलनाथ पर करारा हमला बोला है। सीएम शिवराज ने कहा कि जिस गांधी परिवार ने पूरे देश को लूटा, कमलनाथ उसी गांधी परिवार को लूट रहे हैं। चुनाव नजदीक आते ही भाजपा और कांग्रेस के नेता एक दूसरे पर हमला बोलने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। पहले मंडला पहुंची कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कांग्रेस की सरकार बनने पर पढ़ो पढ़ाओ योजना लाने का वादा जनता से किया और भाजपा को अपने निशाने पर रखा। वहीं अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पलटवार करते हुए गांधी परिवार और कमलनाथ पर जोरदार प्रहार किया है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जिस गांधी परिवार ने देश और प्रदेश की जनता को ठगा है, अब उसी गांधी परिवार को कमलनाथ ठग रहे हैं। कमलनाथ ने 2018 में राहुल गांधी से घोषणाएं करवाई थी, सरकार बनने के बाद उन्हें पूरा नहीं किया। अब वही कमलनाथ प्रियंका से झूठ बुलवाकर उन्हें ठग रहे हैं। यह कांग्रेस की कंफ्यूज करो और वोट लो की नीति है, लेकिन यह पब्लिक है, सब जानती है। पढ़ो पढ़ाओ योजना पर कांग्रेस को घेरते हुए मुख्यमंत्री शिवराज ने कहा कि कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी मंडला आई थी, कमलनाथ ने वहां पर प्रियंका से जो घोषणाएं करवाई हैं, मैंने वो वीडियो देखा है। वे कई घोषणाएं करके बैठ गईं तो कमलनाथ बोले कि एक और कर दो। वोट के लिए इस तरह से झूठ बुलवाना कमलनाथ की आदत है। गांधी परिवार ने पहले सबको ठगा था, लेकिन कमलनाथ गांधी परिवार को ही ठग रहे हैं। कल जिस तरह से प्रियंका जी से घोषणाएं करवाई गई, मैंने वो वीडियो देखा है। कई घोषणाएं करके बैठ गई, बोले एक और करूं। मित्रों, वोट के लिए इस तरह से झूठ बुलवाना, अच्छा पहले भी राहुल बाबा से कहलवा दिया कि 10 दिन में कर्जा माफ, नहीं तो 11वें दिन मुख्यमंत्री बदल देंगे। और बेचारे राहुल तो क्या कहेंगे, देखना, लेकिन जबरदस्ती करवा रहे, पढ़ दो पढ़ दो पढ़ दो, लेना देना थोड़ी है। ये कांग्रेस की कंफ्यूज करो और वोट लो, ये कांग्रेस का झूठ है, लगातार झूठ बुलवा रही है राहुल गांधी जी से, प्रियंका जी से, लेकिन ये पब्लिक है, सब जानती है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।